15 दिन से यहाँ मुख्यमंत्री आवास के बाहर अपनी दो बेटियों के साथ बैठी हूँ। मेरे माँ बाप की हत्या कर दी गई, मेरे भाई की हत्या कर दी गई, मेरी बहन छोटी वैशाली सिंह उसको गैंगरेप करके मार दिया गया। किसी भी मामले की FIR नहीं दर्ज है। कोई सूचना मैं देती हूँ कोतवाली पुलिस को तो उस पर कोई कार्रवाई कभी नहीं की जाती। रायबरेली पुलिस सभी अपराधियों से मिली हुई है। सभी अपराधी भाजपा के नेता हैं। भाजपा नेता आरबी सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के रिश्तेदार हैं। नंदी जी महाराज आरबी सिंह के घर पर बैठते हैं। कौन हमारी FIR दर्ज करेगा? RSS नेता भानु प्रताप सिंह हमारे पूर्व सांसद रायबरेली के साले हैं। कौन करेगा हमारी FIR दर्ज? ये सभी अपराधी SP ऑफिस, DM ऑफिस में जाके बैठते हैं, उनके साथ चाय नाश्ता करते हैं। हम लोग कोई भी एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। हमारी FIR दर्ज। मेरा मकान तोड़ दिया है, मेरे बच्चे, मेरी बेटियां 1 साल से स्कूल भी नहीं जाती हैं। हम लोग ऐसे घर में रहकर क्या करेंगे? 24 अक्टूबर को मेरी बेटी ने जहर खा लिया था, उसको ठीक करके मैं यहाँ लेकर आई हूँ। अब यहाँ वो जहर खाएगी, वो अकेले अब नहीं मरेगी, घर में आत्महत्या नहीं करेगी, वो यहीं मुख्यमंत्री सड़क पे मरेगी, ताकि उसके मरने के बाद मरे हुए लोगों के साथ न्याय हो सके। 4 हत्याओं का न्याय हो, ये एक नहीं 4 हत्या है, एक गैंगरेप। मेरी बहन का FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे ये लोग? मुझसे कहते हैं माँ बाप का सबूत लाओ, माँ बाप का सबूत नहीं है तो भाई की हत्या का सबूत है, बहन की गैंगरेप हत्या का सबूत है, वो क्यों नहीं दर्ज करते? ये सभी अपराध भाजपा नेताओं के द्वारा किया गया, इसीलिए आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्यों नहीं की जा रही है? आज हम मेरी बेटी आत्महत्या करने फिर जा रही थी, मैंने कहा मैं पहले मरूंगी, वो क्यों पहले मरेगी?